क्या जीएसटी के किसी भी सेक्शन में, किसी भी रूल्स में ये लिखा गया है कि आपको कितनी फीस लेनी है? जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसने जो अपनी गलती का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ दिया, और वो था एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं एडवोकेट प्रवीण सिंघल जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में मेंबर हैं बार एसोसिएशन के। मैंने प्रवीण सिंघल जी को बुलाया है एक विशेष बात के लिए। अगर आपने अभी सुना हो, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को बेल दिए, लेकिन उस केस में जो डिपार्टमेंट की तरफ से तथ्य रखे गए वो सर बड़े अजीबोगरीब थे। डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई आपने जो फीस ली है वो 1500 की जगह 3500 रुपए ले ली, रजिस्ट्रेशन की फीस 5000 रुपए ले ली। तो डिपार्टमेंट को ऐसा डाउट हो रहा है कि सीएबी इस केस में इन्वॉल्व है। तो मैं जानना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, ये जानना चाहता हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, कि क्या जीएसटी के किसी भी सेक्शन में, किसी भी रूल्स में ये लिखा गया है कि आपको कितनी फीस लेनी है? भाई मेरा यहाँ पर क्लाइंट से मैं अलग अलग फीस ले सकता हूँ। भाई मैंने एक्स क्लाइंट से कुछ और फीस ली, वाई क्लाइंट से कुछ और फीस ली, क्योंकि हो सकता है उनकी पेमेंट टर्म्स अलग हो, उनका नेचर ऑफ वर्क अलग हो। तो सर क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है, क्या इस तरह की बातें डिपार्टमेंट को कहनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारे प्रोफेशनल हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, वो काफी डरे हुए हैं इस चीज को लेकर कि सर हम फीस ज्यादा ले रहे हैं, कभी दिक्कत ना आ जाए। और ये प्रोफेशनल कैसे अपने आप को सेफगार्ड करें जिससे इनकी टेंशन दूर हो? सर प्लीज थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट जब भी कोई रेड मारता है या कोई नोटिस भेजता है तो वहां पे एक पंचनामा तैयार होता है, सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट। अब पंचनामा में जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी प्रेजम्पशंस लेता है, तो यहाँ पर भी ये प्रेजम्पशन ली गई कि 1500 की जगह अगर 3500 रुपए फीस एक सीए ले लेता है तो इसका मतलब उन्होंने प्रिज्यूम किया कि ये उसने वो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है। 3500 की जगह 5000 रुपए ले लिए तो सीए इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जीएसटी डिपार्टमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहिए, जो आप ये स्टैंडर्ड बना रहे हो कि 3500 और 1500 रुपए जो फीस है सीए की, ये स्टैंडर्ड पहली बात नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि जीएसटी के किसी लॉ में, किसी रूल में नहीं लिखा हुआ है कि आप इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते हो। अब मैं एडवोकेट्स की बात कर लेता हूँ। एडवोकेट एक्ट में ये हमारी जो फीस है वो प्रिस्क्राइब है, लेकिन एडवोकेट जनरली अमूमन उसको फॉलो नहीं करते हैं और वो अपनी फीस चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर एक प्रोफेशनल, वो कोई भी प्रोफेशनल हो, अगर वो उस फीस से सपोज ज्यादा चार्ज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ एक बार को डिस्कशन सेक के लिए फीस प्रेस्क्राइब है जीएसटी में कि आप 1500 रुपए लोगे एक जीएसटी रिटर्न के। अब एक सीए साहब ने 3500 की जगह 3000 या 3500 ले ली, तो क्या उन्होंने कोई इलीगल काम किया? आप जीएसटी क्या मैक्सिमम क्या कर सकते हो सीए साहब को, अगर जीएसटी लॉ में ये फीस प्रेस्क्राइब है तो पेनल्टी लगाओ, आप उसको पेनल्टी लगा सकते हो, जी आपने ज्यादा ये काम किया इतना आपको फाइन देना पड़ेगा, लेकिन क्या उठा के उन्हें जेल में डाल दोगे? तो जीएसटी डिपार्टमेंट को दो चीजों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, पहली चीज अनऑथराइज्ड एंड सेकेंड इज इलीगल। ये अनऑथराइज तो था लेकिन इलीगल नहीं था। इलीगल के लिए सजा है, अनऑथराइज के लिए पेनल्टी है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो है बहुत ही गलत व्यू लिया और ये प्रिज्यूम करके और किसी आदमी को 1 साल 5 महीने के लिए जेल में डाल दिया। ये सर बिल्कुल गलत है, ऐसा डिपार्टमेंट को नहीं करना चाहिए था। सर इसमें एक चीज और आ रही है निकलकर कि भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने रजिस्ट्रेशन करा उसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए उन्होंने ही दिए, अब ये डॉक्यूमेंट्स हम कैसे वेरीफाई करें? या तो डिपार्टमेंट हमें बताए कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे वेरीफाई करने हैं, भाई पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी आप दे रहे हो, भाई ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो जीएसटी में सेक्शन है कि आप वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन करके पता करो। 146 करोड़ का आईटीसी फ्रॉड हो गया, आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को दोषी ठहरा रहे हो, प्रोफेशनल को दोषी ठहरा रहे हो। क्योंकि सर यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, पूरे ऑल इंडिया में हमारी प्रैक्टिस चल रही है, तो हम ये कैसे जस्टिफाई करें कि जो मेरे को पेपर आए वेस्ट बंगाल से, जो पेपर आए मेरे को त्रिपुरा से, मैं उसकी जेन्युइननेस कैसे फाइंड आउट करूं? और आजकल तो सर वर्क फ्रॉम होम हो गया है, इसमें जो डेटा आता है हमारे पास या तो व्हाट्सएप पे आ जाता है या मेल पर आ जाता है। तो यहाँ पर इसमें एक बात और लिखी गई केस में
कि भाई यहाँ पर जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्हें ये चीज पता थी कि ये आईटीसी फेक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, एक प्रोफेशनल को कैसे पता लग सकता है कि ये बिल फेक है, ये आईटीसी फेक है, ऑन द बेसिस ऑफ अगर उसके पास डॉक्यूमेंट आ रहा है बाय मेल, ठीक है, बाय व्हाट्सएप, कैसे भी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। और सर इस वाले केस में एक प्रोफेशनल्स को क्या क्या सेफगार्ड रखने चाहिए जिससे आगे उसे दिक्कत ना आए, प्लीज सर। देखो इसमें मेरा मानना है कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसने जो अपनी गलती का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ दिया, और वो था एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे जो सीए है, आप प्रोफेशनल हैं, आप वॉच डॉग नहीं है, किसी की इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम नहीं है। हाँ आप ब्रॉडली दे सकते हो। अब आप एक रजिस्ट्रेशन करते हो तो सबसे पहले आप आधार कार्ड का एक ऑथेंटिकेशन कराते हो, वो कौन करता है? जीएसटी डिपार्टमेंट। जो हर महीने की रिटर्न जा रही है, जो यहाँ पे एक्यूज इनके साथ उनकी रिटर्न जा रही थी, जिनका ये एलिज किया गया है कि 146 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, अब उसकी रिटर्न तो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास थी हर महीने, तो क्या जीएसटी डिपार्टमेंट उसको चेक नहीं कर सकता था? क्या जब उनके नजर में आया ये कि ये फ्रॉड ऐसा कुछ हो रहा है, बजाय कि अपनी गलती मानने के, उसके करेक्टिव एक्शन लेने के, उन्होंने इसकी गलती किसी और के ऊपर थोप दी? तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट की अपनी गलती थी, उसके लिए उन्होंने एक्यूज बना दिया सीए को। दूसरा चीज, अब सीए को ये पता था, ये उन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो गलत फ्रॉड मीन्स आईटीसी लिया गया, तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट क्या अंतर्यामी हो गया, उसे अंदर की मन की बात पता लग गई? क्यों नहीं उन्होंने ये फैक्ट दिए कि जीएसटी सीए को पता था कि ये फ्रॉड गलत लिए जा रहे हैं? और अगर मैं कहूं टोटल फीस अगर ली गई है, वो सिर्फ 75,000 रुपए ली गई है, सिर्फ 75,000, 146 करोड़ के फ्रॉड में जीएसटी रिटर्न फाइल करने की फीस 75,000 है, जो कि मतलब मेरा मानना है कि 3500 रुपए को उन्होंने ज्यादा नहीं लिया। अब उसके लिए उन्होंने मान लिया, क्या कमीशन मिला? जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे माना कि सीए को कोई कमीशन नहीं मिला इस 146 करोड़ का, सिर्फ उसे उसकी फीस मिली है। तो क्या ये बेसिस लिए जा सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट को खुद अपना इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ गलत थे, कैसे उसको करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। मैं इसका मतलब आप सब जो प्रोफेशनल है उन्हें डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो पूरी गलती नजर आ रही है वो जीएसटी डिपार्टमेंट की आ रही है, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये चीज बोली है, और हम फीस अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मेरी है कि अगर आपके पास कोई अननोन क्लाइंट्स आता है तो आप दो चार चीजों का ध्यान रख ले कि भाई अननोन क्लाइंट्स अगर आपके पास आता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, उसकी रिटर्न फाइल करने से पहले मेल पे वेरिफिकेशन कर ले। अगर कोई आपको डीएससी देकर जाता है तो डीएससी लेने से पहले कंसेंट ले ले कि भाई हाँ हम आपको डीएससी दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी मर्जी से ही हमने डीएससी अपने पास रखा है, उसे एफिक्स करने से पहले कंसेंट ले ले। कई केसेस में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं हर केसेस की बात नहीं कर रहा, जहां पर आपको डाउट है तो उन केसेस में आप ये चीज कर ले। और भैया मैं तो हर प्रोफेशनल से ये कहता हूं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है चाहे प्रोफेशनल है, कि अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ध्यान दे। बोकस बिलिंग वगैरह में कोई करियर नहीं, कोई कुछ नहीं है, अगर कोई करता भी है भैया बिल्कुल उसे छोड़ दे। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सम्मान अपनी प्रैक्टिस एक्सपर्टाइज करने में है, क्योंकि इस तरह के केसेस में तो डिपार्टमेंट की गलती है जो एकदम लग के आ रहा है, लेकिन कई केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें प्रोफेशनल की भी गलती निकल जाती है, जिससे पूरे प्रोफेशनल पे दिक्कत आ जाती है। तो सर ये जो केस लॉ है इसमें आप और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखो जैसे आपने कहा कि जो डीएससी है उसको बड़ा केयरफुली इसको यूज करना है, राइट, ठीक है। अगर क्लाइंट की कंसेंट नहीं है तो उसे बिल्कुल मत करो। आप कहते हो कि क्लाइंट जो है लास्ट डे पे आपको देता है, तो ठीक है ना, आपकी गलती है उसमें, नहीं आप 50 रुपए 100 रुपए फाइन लग जाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट लग जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक दिन डिले कर दीजिए, दो दिन, लेकिन कंसेंट के बिना फाइन मत करिए, क्योंकि अपनी जो जान है, अपने जो फ्रीडम है, वो ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। प्लस मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर अभी ये सिर्फ बेल मिली है, केस खत्म नहीं हुआ, केस जब डिसाइड हो जाएगा और जिस टाइम पर अगर सीए साहब गिल्टी नहीं पाए जाते हैं, तो मेरा एक सजेशन है कि सीए साहब को डिपार्टमेंट के ऊपर एक्शन जरूर लेना चाहिए। वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं फॉर लॉस ऑफ हिज रेपुटेशन, फॉर मेंटल हैरेसमेंट, एगोनी, और साथ में ही
आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है हमें राइट ऑफ इक्वलिटी देता है, कैसे आप हमारी फ्रीडम को ब्रीच कर सकते हो और हमें जेल में उठा के डाल सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो सेक्शन 132 की ये बात करें, जो सेक्शन लगाया गया है वो उसमें मैक्सिमम सजा का जो प्रावधान है वो 6 महीने का है, 6 महीने। और यहाँ पे इनको जेल में डाल दिया 1 साल 5 महीने। अच्छा, एक और चीज जजमेंट में है, एक टाइपो एरर मुझे लग रही है, यहाँ पे लिखा है कि जेल में वो 1 जनवरी 2021 से थे, लेकिन साथ में ही जजमेंट में लिखा हुआ है कि ये 1 साल 5 महीने से थे। तो यहाँ पे शायद जो मुझे लगता है कि ये जो सीए साहब है जनवरी 2020 से जेल में थे, जिनको अब जाकर मेल मिली है। मुझे तो लगता है सर आपने पूरी जजमेंट पढ़ी है इसकी और पूरा एनालिसिस करा है। अगर हमारे यूजर्स जानना चाहें ये सारा एनालिसिस, क्योंकि जो जो चीजें आपने बताई वो हर जगह पर साइट पर नहीं है, तो वो कैसे जान सकते हैं सर, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। हाँ देखिए, हमारी एक एडवोकेट्स की टीम है जो सारे क्वालिफाइड और बहुत एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं जो इन केसेस को एनालाइज करते हैं, और हमारी वेबसाइट lawwallet.in पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इवन केस लॉ को अगर आपको डाउनलोड भी करना है वो भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सारी बातें हमने कही हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट पर आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन बहुत इजी लैंग्वेज में मिल जाएगी। और इसी तरह के यही आर्टिकल नहीं, जैसे आप अकाउंटिंग में है तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ट्रेडमार्क कैसे लिया जाता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लॉ है, बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। तो मैरिज डिवोर्स से रिलेटेड, चेक डिसऑनर से रिलेटेड, एविडेंस एक्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ, तो इस तरह के बहुत सारे लॉज हम यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे लॉज जो हिंदुस्तान के हमने कवर करते हैं। इवन अभी जो नया लॉ आने वाला है मॉडल टेनेंसी एक्ट, ठीक है, जिसमें किराएदार और जो लैंडलॉर्ड है आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा, वो जमाने चले जाएंगे कि 20 साल 25 साल केस चल रहा है, तो उसमें क्या है, वो सारी चीजें हमने FAQ फॉर्म में डाल रखी है। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा मानना है कि आप हमारी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करिए, डेली उसमें अपडेशन होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स डेली बेसिस पे डलते हैं। और एक और चीज मैं आपको इंश्योर करना चाहूंगा कि जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर वो सारा ऑथेंटिकेटेड है। हमारी टीम रिव्यू करती है, एक रिव्यू टीम है, और उसके बाद ये पोस्टिंग होती है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे YouTube चैनल पर आए और आपने इस केस लॉ के अंदर जो बारीकी थी वो भी हमें बता दी। और आप लोगों को अब डरना नहीं है, देखो वकील साहब हमारी बराबर में बैठे हुए, डरना नहीं है। 3500, 5500, 5000, 10000 जो फीस आप ले सकते हो वो लो। यहाँ पर डिपार्टमेंट की गलती है, डिपार्टमेंट ने सीए की बुक्स को चेक करके देखा कि किसी से 1500 ले रहे हैं, किसी से 3500, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन की फीस ले सकते हैं, बस जो डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं या जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग के लिए जो भी चीजें आती हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाए उसे लेकर, कि जिससे कोई अननोन अगर क्लाइंट है या कोई भी अगर आपका क्लाइंट है, क्योंकि कई बार पास्ट में भी देखा गया है जब क्लाइंट फंसता है तो कई बार वो ये कह देता मुझे क्या पता जी, जो कराया इन प्रोफेशनल्स ने कराया। तो भैया यहाँ पर इस बात को समझ लो, कोई किसी का सगा नहीं है, सबसे पहले अपने आप को बचाओ, ठीक है, थोड़े बहुत लालच में, ठीक है ना, थोड़े बहुत लालच में कुछ भी गलत ना करो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वीडियो कैसी लगी, और प्रवीण सिंघल सर को हम बार बार परेशान करते रहेंगे इस तरह की केस स्टडी के लिए। और आप अभी जाकर इस वाली केस स्टडी को पढ़ लीजिएगा lawwallet.in पर। और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा तो कर ही दीजिएगा, और साथ में लॉ वॉलेट का भी एक YouTube चैनल है सर का, वो भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।